इंडिया। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विधानसभा में बहुमत साबित कर लिया। विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन वाली सरकार के पक्ष में कुल 47 वोट पड़े, जबकि सदन में बहुमत के लिए सिर्फ 41 विधायकों की ही जरूरत थी। यानी झारखंड विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट में चंपाई सोरेन सरकार आसानी से पास हो गयी, क्योंकि गठबंधन सरकार के पक्ष में कुल 47 वोट पड़े, जबकि विरोध में 29 विधायकों ने वोट डाला। बहुमत के लिए सरकार को 41 विधायकों की जरूरत थी। फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि साजिश के तहत हेमंत सोरेन को केंद्रीय एजेंसियों ने फंसाया। सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले चंपाई सोरेन ने सदन में हेमंत सोरेन सरकार की जमकर तारीफ की और खुद को हेमंत सोरेन सरकार का पार्ट टू बता दिया। 31 जनवरी को ईडी ने करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर झारखंड में जमीन घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के आरोप हैं। और उन्हीं आरोपों की जांच के सिलसिले में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। विधानसभा में सरकार के शक्ति परीक्षण के लिए हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में ही विधानसभा पहुंचे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार के पक्ष में वोट दिया। हेमंत सोरेन को विधानसभा ले जाने के लिए सुबह ईडी दफ्तर से 10 से 12 गाड़ियों का काफिला पूरी सुरक्षा के साथ निकला। दिल्ली नंबर की कार में हेमंत सोरेन को बिठाकर ईडी के अफसर तेजी से विधानसभा की तरफ बढ़ने लगे। विधानसभा पहुंचने के बाद मीडिया के सवालों से बचते हुए हेमंत सोरेन सीधे सदन के अंदर पहुंच गए। वोटिंग से पहले विधानसभा में चर्चा के दौरान हेमंत सोरेन ने दावा किया कि उनकी सरकार को गिराने की प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी। 2022 31 तारीख को दिए गए अंजाम की पटकथा लिखी जा रही है। अपनी गिरफ्तारी को लोकतंत्र की काली रात बताते हुए हेमंत सोरेन बीजेपी पर जमकर बरसे। इसके साथ ही उन्होंने सदन में आदिवासी कार्ड भी खेला। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बन गए, इनके कपड़े मैले होने लगे। जमीन घोटाले की जांच में जुटी ईडी ने हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसा तो झारखंड की सियासत में उथल पुथल मच गई। हेमंत सोरेन जेल पहुंच गए तो उनकी ही पार्टी के आदिवासी चेहरे चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मतलब झारखंड की सियासत बीते एक हफ्ते में 360 डिग्री घूम गई। झारखंड सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मिलने पहुंच गए और कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की। इस तस्वीर में राहुल गांधी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को गुलदस्ता भेंट करते दिखे। कल्पना सोरेन और राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने एकजुट होकर न्याय की लड़ाई जारी रखने की बात कही। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया, लेकिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से झटका लगा, क्योंकि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दी गई हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी। हालांकि हाईकोर्ट ने ईडी को इस मसले में 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख तय कर दी। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।